नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आप देख रहे हैं अपना चैनल एनजी वर्ग। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप घर बैठे अखबार का जो एबीसी कार्ड होता है वह किस प्रकार से बना सकते हो दोस्तों घर बैठे, वो भी बिना कहीं जाए हुए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप घर बैठे अखबार कार्ड बना लेते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अखबार कार्ड बनाने के लिए आपको मतलब जो आपको क्रोम ब्राउज़र होता है उसमें क्या आपको एबीसी कार्ड या फिर अखबार आईडी कार्ड इतना लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों जो आपकी पहले या दूसरे नंबर पर ही वेबसाइट जो आएगी दोस्तों, वही आपकी वेबसाइट होने वाली है। दोस्तों मैं पहले नंबर पर क्लिक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आपके सामने मतलब क्या डैशबोर्ड आने वाला है। दोस्तों जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने यह दोस्तों डेस्कटॉप आ चुका है। इस यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा है क्रिएट यूआर अपार, इस पर हमको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये क्रिएट यूआर अपार लिखा है ना, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने आपके सामने क्लिक किया दोस्तों। जैसे ही मैंने क्रिएट यूआर अपार पर क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने यह डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, जो हमारे 12 अक्षर का जो आधार कार्ड का नंबर होता है वह यहाँ पर दोस्तों फिल कर देना है। दोस्तों तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा दोस्तों। तो उस ओटीपी को क्या करना है, हमको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलाउ वाला बोलेगा, तो अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको डिजी लॉकर पर लेके जाएगा। अगर आपका डिजी लॉकर पर पहले से अकाउंट बनाए तो साइन इन कर लें, अगर आपका नहीं बनाया तो आप नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यह देखिए आपके सामने यह साइन अप बटन क्लिक यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने क्लिक किया आपके सामने, यह देखिए यहाँ पर मुझे फुल नेम डाल लेना है, उसका जो भी कस्टमर है उसका फुल नेम डाल देना है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर डेट डाल देना है उसका, फिर मंथ डाल देना है, फिर ईयर्स जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद फिर हम नीचे यहाँ पर मेल फीमेल पर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे ये जो उनके आधार कार्ड में लिंक है। उसके बाद हम ईमेल आईडी डाल देंगे और 6 अक्षर का कोई क्रिएट अच्छा सा पासपोर्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। ये देखिए मैंने सबमिट किया तो मेरे सामने नया पॉपअप खुल के आ गया है। दोस्तों जैसे ही मैंने पासपोर्ट डाल के सबमिट बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने मेरा अकाउंट सक्सेसफुल मतलब क्रिएट हो गया है, वह अकाउंट मेरा बन गया है। दोस्तों ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं शो करा पा रहा हूँ। उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन इन करना होगा हमको। तो यहाँ पर हमको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, वही जो हमने अभी डाला था वही मोबाइल नंबर हमको यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, हमने जो पासपोर्ट क्रिएट किया था 6 अक्षर का उसे यहाँ पर डाल देंगे और साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपार एबीसी आईडी कार्ड, यह देखिए हमारा बन चुका है। हमने इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद देखिए कुछ समय के लिए मतलब प्रोसेसिंग देगा। यह देखिए हमारा अपार आईडी कार्ड सक्सेसफुल दोस्तों बन चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आईडी कार्ड बनाने की यही प्रक्रिया थी। अगर प्रक्रिया पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें दोस्तों। धन्यवाद।